गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और इस जनवरी के मंथ में हम लगातार परमेश्वर के वचन की विशेषताओं को सीख रहे हैं और आज है 16 जनवरी और आज एक और परमेश्वर के वचन की विशेषता हम देखने जा रहे हैं जो 2 तीमोथी 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है 2 तीमोथी 3 अध्याय 16 और 17 पद जहां लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। तो आज हम वचन की एक और खूबसूरत बात देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें भले कामों को करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें भले कामों को करने के लिए तैयार करता है। हम भले काम करने के द्वारा बचाए नहीं गए हैं, हम धर्म के काम करने के द्वारा बचाए नहीं गए हैं, हम दान देने के द्वारा, हम समाज सेवा करने के द्वारा हम नहीं बचाए गए हैं, बल्कि हम भले कामों को करने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए बचाए गए हैं। अब जो हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, अब जो यीशु मसीह ने वो महान काम मेरे और आपके लिए किया, हालेलुया, उसके उस काम के द्वारा हम बचाए गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर किया। हम तो प्रभु यीशु मसीह के काम पर जो उसने किया विश्वास करने के द्वारा, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है उसके द्वारा हम बचाए गए हैं। अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से लिखा है हमारा उद्धार हुआ है। हम भले कामों के द्वारा नहीं, लेकिन भले कामों को करने के लिए बचाए गए। हालेलुया। जो भलाई करना जानता और नहीं करता, लिखा है वचन में, ये उसके लिए पाप गिना जाता है। इसका मतलब अगर हम भले काम कर सकते हैं, हम योग्य हैं, हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन हम नहीं कर रहे, इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। आमीन। इसलिए यदि परमेश्वर ने हमें सक्षम बनाया तो हम जरूर करें, आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने आप को खुद सक्षम बना सकते हैं प्रभु के वचन को मानने के द्वारा। प्रभु तो हमें सक्षम बनाना चाहता है, प्रभु हमें देना चाहता है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करना चाहता है, लेकिन वो अपने वचन के अनुसार ही काम करेगा। और बहुत सारे लोग आज इंतज़ार करते रहते हैं कि प्रभु करे, प्रभु करे, प्रभु करे, प्रभु करे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। यदि आप वचन पर चलेंगे तो ही प्रभु आपके जीवन में काम कर पाएंगे। यदि आप वचन पर नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर को आप काम करने से रोक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। वो अपना इनकार नहीं करता, वो हर एक बात व्यवस्थित और अनुशासित रूप से करने वाला परमेश्वर है। वो बुद्धिमान परमेश्वर है और बुद्धिमानी से कार्य करता है। हमें बुद्धिमान बनना होगा, उसके वचन के अनुसार अपने आप को बनाना होगा, ताकि वो हमारे जीवन में काम कर पाए और उसकी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देख पाए। हमें वचन को टेढ़ा नहीं, बल्कि अपने आप को सीधा करने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। आज यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार वचन हमें भले कामों को करने के लिए तैयार करता है? जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।